और फोर्स इंडिया की खबर का बड़ा असर, खाटू श्याम जी मेश्राम भक्तों की मौत के मामले में राज्य सरकार ने दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया। उपखंड अधिकारी दांता रामगढ़ राजेश मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा डीएसपी रिंगस सुरेंद्र सिंह को भी निलंबित किया गया है। उपखंड अधिकारी दांता रामगढ़ राजेश मीणा को सस्पेंड किया, डीएसपी रिंगस और सुरेंद्र सिंह को भी निलंबित किया गया। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए श्याम भक्तों की हुई मौत के बाद राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको ये जानकारी दे दें कि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कल इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, स्पेशल प्रोग्राम 5 बजे किया था और उसके बाद अब ये एक्शन लिया गया, खबर का बहुत बड़ा असर। हमारे सहयोगी रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। रमेश, फर्स्ट इंडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन जिस तरीके से सरकार गंभीर होता हुआ नजर आया, एक्शन लिया गया है, क्या लगता है, क्या और भी यहां पर कार्रवाई होनी अभी बाकी है या फिर सिर्फ इतना ही काफी है? बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा कि कल सुबह से ही फर्स्ट इंडिया ने बताया था कि किस तरीके से इस पूरे मामले में लापरवाही हुई है और फर्स्ट इंडिया ने पूरी लापरवाही की परतें खोली थी कि शुरुआती मेन गेट से लेकर के कहां तक ये लापरवाही हुई। केवल एक एसएचओ को सस्पेंड करने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है और सुबह भी फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को ट्वीट किया था कि अभी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो अधिकारी है जिम्मेदार उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उसी का एक बड़ा असर हुआ है कि दातारामगढ़ एसडीएम राजेश मीणा है उनको सस्पेंड किया गया, डीवाईएसपी रिंगस है उसको निलंबित किया गया। तो कहा जा सकता है कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर के गंभीर हुई है और श्याम भक्तों की जो मौत हुई है उसको लेकर के बड़ा एक्शन सामने है कि दो अधिकारियों को एक साथ निलंबित किया गया है। चलिए ठीक है, हमारे साथ अविचल चतुर्वेदी जिला कलेक्टर सीकर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं, आप बने रहिएगा रमेश हमारे साथ। अविचल जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। फर्स्ट इंडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है सर, उसके बाद खबर का असर भी हुआ है, एक्शन ले लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार का एक्शन है, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सरकार का एक्शन है, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि इस पर और बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए? क्या जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती? देखिए, ये निर्णय मैं नहीं ले सकता, ये निर्णय यदि सरकार के स्तर पे लिया जाना होगा तो लिया जाए। सर आपकी जिम्मेदारी भी थी, अब आरोप ये भी लग रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे हैं। किस तरह की जिम्मेदारी? हम अपनी जिम्मेदारी जो है पिछले 2 दिन से हम लोग लगातार वहां पे देख रहे हैं और उसके अलावा भी जो जिम्मेदारी सरकार को तय करनी होगी, बिल्कुल उस सरकार सक्षम है तय करने में और वो हम उसके लिए तैयार हैं। जो भी हमें जिस तरह के निर्देश दिए जाएंगे हम उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो निर्देश आपको दिए जाएंगे सरकार की तरफ से आप उसका पालन करेंगे, लेकिन सर बड़े पद पर आसीन की हम बात करें तो एसपी है, जिला कलेक्टर है, सर आप कलेक्टर हैं, इसलिए आपसे सवाल जनता मांग रही है, वहां के लोग जिन्होंने अपनों को खोया वो परिजन मांग रहे हैं, आप उस लिहाज से क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं वहां पे अभी पिछले 2 दिन से लगातार लोगों से बात भी कर रहा हूँ, फीडबैक भी ले रहा हूँ और जो भी जनता सवाल पूछ रही है हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो इसमें कोई किसी तरह की कोई शक नहीं है कि हम हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह हैं और रहेंगे और जो भी हमसे पूछा जाएगा, चाहे जनता पूछे चाहे सरकार पूछे, हम लगातार हमारे पास जो भी हमारा जो पक्ष होगा, जो हमारे को हमने जिम्मेदारी निभाने के लिए जो कार्रवाई की होगी वो हम बताएंगे और यदि उसमें कोई कमियां दिखाई जाएंगी तो उन कमियों को भी हम पूरा करने की कोशिश करें। चलिए बहुत शुक्रिया सर फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए। संजय महला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। संजय महला जी स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर, और खबर हम फर्स्ट इंडिया लगातार दिखा रहा था कि किस तरीके से वहां पर भगदड़ हुई, लापरवाही हुई और अब खबर का असर हुआ है, एक्शन लिया गया है, लेकिन सर सवाल मेरा ये है, सर आपको नहीं लगता उपखंड अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया, डीवाईएसपी को निलंबित कर दिया गया, यानी 3 पर कार्रवाई हुई, जिम्मेदारी तो सर जिला कलेक्टर की भी थी, एसपी की भी थी, उन पर भी एक्शन लेना चाहिए? मैम, इस मामले के अंदर जो कल फर्स्ट इंडिया के ऊपर अच्छी एक डिबेट हुई थी, जी बिल्कुल, और ये इस डिबेट का ही ऑल ओवर कंट्री, अब मैं कह रहा हूँ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर इसका प्रभाव गया है, चारों तरफ इस डिबेट का ये असर हुआ फर्स्ट इंडिया की डिबेट का, कि अधिकारियों की एक लाइबिलिटी तय होनी चाहिए थी अभी तक, क्योंकि सरकार ने ये एसएचओ सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया, उसके बाद में आज बड़े तरीके से इन्होंने आराम से मंदिर प्रबंधन कमेटी के खिलाफ मुकदमा 304 के अंदर दर्ज किया है, लेकिन क्या ये सफिशियंट है? बिल्कुल नहीं है। आज शाम तक इन्होंने आरपीएस अधिकारी जो डिप्टी एसपी थे, जो रिंग्स जिनका कार्यालय
उनको सस्पेंड किया। मेरा कल से ये कह रहा था, हमने चैनल के ऊपर भी लोकप्रिय चैनल पर ये मांग की थी कि क्यों नहीं एसपी के खिलाफ कार्यवाही हो रही, क्यों नहीं कलेक्टर साहब के खिलाफ कार्यवाही हो रही। ये प्रशासनिक जिम्मेदारी का सारी जिम्मेदारी तो इनके ऊपर है। वहाँ पर लाखों की भीड़ होती है श्याम बाबा के अंदर, खाटू मंदिर के अंदर, तो क्या यह अपनी लाइबिलिटी से बच सकते हैं क्या कलेक्टर साहब या एसपी साहब बच सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बच सकते। मेहरानगढ़ किले के अंदर 2008 में जो घटना हुई थी जी, जिसके अंदर 216 लोगों की डेथ हुई थी, 30 सितंबर 2008 की जो घटना, तुरंत प्रभाव से राज्य सरकार ने कलेक्टर एसपी के खिलाफ एक्शन लिया था। और उसके बाद के अंदर तो जसराज चोपड़ा जांच आयोग ने सारी चीजें क्लियर करते हुए राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। वो अलग बात है कि अभी तक राज्य सरकार उस जांच रिपोर्ट को सामने नहीं ला रही है। ये सरकार की पता नहीं क्या मजबूरी है। उस जांच रिपोर्ट में 1000 पन्नों की जांच रिपोर्ट थी, 1500 दिनों की मेहनत के बाद में जस्टिस जसराज चोपड़ा साहब ने जांच रिपोर्ट दी। लेकिन शिखर की इस घटना में ये आए दिन इस तरह के लाखों की भीड़ वहां होती है, क्यों नहीं वहां पर इंस्पेक्टर रेन का एक कार्य वहां पुलिस कार्यालय हो? ऐसे माहौल के अंदर बिल्कुल सर, कल भी आपने खुलकर अपनी बात रखी थी, इस बात को साझा किया था और इसीलिए आपसे सवाल किया गया ताकि आप इसे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सके। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट देने के लिए और ये बताने के लिए कि बिल्कुल जिम्मेदारी जो है वो कलेक्टर पर बनती है, एसपी पर बनती है, इस तरीके से उन पर भी एक्शन होना चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि खाटू श्याम का नाम दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचते हैं, पूरे देश भर में नाम है, और जब इस तरीके की घटना होती है तो सिर्फ प्रदेश का ही नहीं, इलाके का नहीं, देश का नाम खराब होता है।